दुनिया के नक्शे पे तो हमेशा से ही भारत था, आप कह रहे हो कि पहले कोई जानता भारत है। रूस यूक्रेन युद्ध रोक कर 3 दिन तक वहाँ से स्टूडेंटों को बाहर निकाल के लिया, ये मोदी की करामात थी। तिरंगे झंडे के नीचे पाकिस्तान के लोग भी आ गए थे, क्या मुकाबले उस आदमी का नरेंद्र भाई मोदी ने, और मोदी कहाँ से कहाँ ले गया कंट्री, ये भी कहाँ ले गया, यही तो पूछ रहा हूँ, यही तो बात बता रहा हूँ मैं। नक्शे में आप कह रहे हो कि नक्शे में तो पहले ही था, ये बात सत्य है, नक्शे में तो था, लेकिन अब जो मान सम्मान ये है भाई नरेंद्र भाई, किसी भी कंट्री में जाते हैं अपने देखा है। अरविंद केजरीवाल कैसे दिल्ली को नहीं बचाए उसने, तो दिल्ली को कब बचाए अरविंद ने, दिल्ली में तो सरकार है और क्या बचाएंगे बताइए, वे लोग जो है तीसरी बार सरकार बना दी, वो तो जनता का मूड है बना दी, पर कुछ मिला नहीं है जनता को, क्या दिया, दिल्ली पानी से डूब गई। ये बताइए कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी तो अच्छे नहीं लगते जी, 3 कानून और सब खराब है, कुछ इनके काम ठीक है कुछ बढ़िया नहीं, कुछ ठीक है। उन्होंने तो अब कानून वापस ले लिए, अब भी अच्छी नहीं लगते। किसान को क्या दिया है, किसान को कुछ नहीं दिया है। कह रहे हैं कि MSP थी है और रहेगी, आप कह रहे हो किसानों को दे नहीं रहे। MSP में मिला क्या है किसान को, कुछ नहीं मिला है, एक पैसा भी नहीं जी। नहीं तो फिर और कौन, बीजेपी से कुछ नहीं मतलब है ना, कांग्रेस है, बढ़िया आदमी बढ़िया हम तो उसको वोट देंगे आदमी बढ़िया। तो जैसे अभी चर्चाएं जो है प्रधानमंत्री की वो चल रही है, एक तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या नीतीश कुमार। नहीं बढ़िया इंसान कोई, उनसे भी कोई बढ़िया निकला तो उसको वोट दे सकते हैं, कोई मोदी जी भी इतने है नहीं। अरविंद केजरीवाल कैसे दिल्ली को नहीं बचाए उसने, तो दिल्ली को कब बचाए अरविंद ने, दिल्ली में तो सरकार है और क्या बचाएंगे बताइए, दिल्ली में लोग जो है तीसरी बार सरकार बना दी उनकी। वो तो जनता का मूड है बना दी, पर कुछ मिला नहीं है जनता को, क्या दिया है, दिल्ली पानी से डूब गई। वो तो अब पानी तो कुदरती है ना, उसमें तो ना आपका बस चलेगा ना सरकार का बस चलेगा, अगर कुदरत अपने पर आएगी तो चाहे जितने मर्जी इंतजाम कर दीजिए आप। निकासी होनी चाहिए, ये बात सही है कि अगर बाढ़ आ भी गई तो उसकी तुरंत निकासी होनी चाहिए, ठीक है, प्रबंध होने चाहिए, लेकिन कुदरत को तो नहीं रोक सकते ना। नहीं मुआवजा दिया है लोगों का, वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, अच्छी सरकार होती तो मुआवजा मिलता, कुछ नहीं मिला है वहाँ पे। मुझे ये बताइए कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन हो? मोदी। ऐसा क्यों? क्योंकि आज देश को नाम कठे है, पहले इन देश ने जान तो कौन हो, आज देश को पासपोर्ट लेके लोग विदेश हो, आप बताओ कितनी इज्जत हुई है पासपोर्ट की, भारत की। दुनिया के नक्शे पे तो हमेशा से ही भारत था, आप कह रहे हो कि पहले कोई जानता है। भारत है, रूस यूक्रेन युद्ध रोक कर 3 दिन तक वहाँ से स्टूडेंटों को बाहर निकाल के लिया, ये मोदी की करामात थी। तिरंगे झंडे के नीचे पाकिस्तान के लोग भी आ गए थे वहाँ से, क्या मुकाबला है उस आदमी का, दुनिया पागल है उसका। किसान कह रहे हैं कि हम तो बहुत परेशान है, परेशानी है किसान ना गए 5-7-10 एक दो बैठे वो गंगे डाल के पानी हंसते सीखे थे GKS पर GP साले हुए किसानों को चंदो ले लिया, सामने पंजाब वालों को ले लिया पैसा दे दिया, बाकी के नाल यश सी कर दी बिना मतलब का है, चंद लोग है जेका बकवास गए किसान सारा संतुष्ट है। नहीं तो बाकी जो इंडिया का गठबंधन बना है उसमें अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, शिवसेना है, NCP है, ममता दीदी है, जीजो कोनी, राहुल भैया है, भाभी कोनी, मायावती बहन है, जीजो कोनी, क्या गठबंधन है आपका, घर तो बसा कोनी, क्या गठबंधन है घर, तो फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी नहीं बसा है, नरेंद्र मोदी घर बसाए हो लेकिन बाद में वो सन्यासी हो गयो मन तो आपको जीवन, ये भी तो सही नहीं है ना कि किसी मतलब अपनी बीवी को छोड़ना भी तो सही बात नहीं है ना। बहुत लोग छोटे जगह जगह बीबियां छोड़ी गया है नहीं, आज विश्व का मान भारत का जगह जितना भी मान लोग होया नहीं, मैं आपकी बीवी छोड़ के गया, तुलसीदास भी आपकी बीवी छोड़ के ग्रंथ लिखे हो, ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी के भी नहीं थे, आवाज भी सुनता है यार, ऐसा थोड़ा ही है, ऐ तो बहन तो मंदिर में था टिक्को लगा लिया गठी जवाब बड़े टोपी ओढ़ लिए। राहुल गांधी देखिए इतनी लंबी यात्रा उन्होंने करी, लोग तपस्वी कह रहे हैं उनको और आप कह रहे हो कि कुछ भी नहीं है, क्या ना तपस्वी है यार, बाल पर देना तपस्वी बनाई है, दाढ़ी मोटी करें तपस्वी बनाई, नरेंद्र मोदी ने भी की रही थी बंगाल में जब चुनाव थे तो लोग कह रहे थे कि टैगोर नहीं बनते, कोरोना की वजह से उसने वो बढ़ाई थी, बाकी उतनी दाढ़ी वो रखता ही है। कोरोना में आपने तो नहीं बढ़ाई कभी, बदी की नाई को नहीं सारा ही बदी सर। एक बात और बताइए कि राजस्थान में इसी साल चुनाव है, क्या नाम है जी आपका? बद्री प्रसाद। बद्री जी मुझे ये बताइए फिर चुनाव आ रहे हैं 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन हो? मोदी।
ऐसा क्यों? आदमी अच्छा है। आदमी किस तरीके से अच्छा मानते हैं आप? अच्छा है। उनसे पहले मनमोहन सिंह भी तो अच्छे थे, उनकी छवि में क्या खराबी? मनमोहन सिंह ने भी काम अच्छे किए, मनमोहन सिंह ने भी अच्छा आदमी था, काम अच्छे किए। इस बार तो इंडिया का गठबंधन हो गया, उसमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल अपने आप को सबसे बड़े कहते हैं कि हम जो है ईमानदार हैं। केजरीवाल चोर है, ईमानदार क्या हुआ? रेवड़ी बांट के वोट लेना चाहे, अब जनता समझ गई अब कौन दे वोट। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि जब विधायक है, एमपी है, वो 10-10 बार अपनी फ्री में ले रहे हैं, बिजली फ्री ले रहे हैं, पानी फ्री ले रहे हैं, टेलीफोन का बिल 15,000 रुपये का ले रहे हैं, बताइए, ये कह रहे हैं वो, तो आम जनता को भी तो मिलना चाहिए कुछ। अपने केजरीवाल कह रहे हैं, केजरीवाल सब झूठा पोप दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे, 3 मंत्री तो जेल में है उसके, पर क्या करे, क्या किया है उसने, माफ तो किया है, क्या किया है उसने माफ? आरोप क्या आरोप लगे हैं लेकिन आरोप साबित नहीं कर पाए, ये कह रहे हैं केजरीवाल। अभी तो अंदर बैठे हैं, अभी भी जो घोटाला हुआ था उसका शराब का, उसमें सारे पैसे चाट गए वो। तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार बनाएंगे इस बार, हम पंजाब में बना ली, दिल्ली में बना ली, हरियाणा और राजस्थान में भी बनाएंगे। राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी, या तो कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, दो ही पार्टियां हैं यहाँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि 2024 में चुनाव है तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? काम करे वो देश के लिए, काम करे। कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के यहाँ तो नहीं आ गया हूँ? नहीं, तो पुराना कार्यकर्ता पर फिर भी काम कर रहे हो। नरेंद्र मोदी मेरे यार कोई अभी तक पुराना मैं तो जानता नहीं, पर वो पहले कहते थे कि इंदिरा गांधी के बढ़िया लेडीज थे तो हम कांग्रेस के खिलाफ। इंदिरा गांधी के परिवार से राहुल गांधी भी तो बढ़िया है, इतना पैदल पूरा भारत नाप दिया उन्होंने, अलग अलग लोगों से बातचीत करी उन्होंने, बताइए आप कह रहे हो कि वो ठीक नहीं है? नहीं नहीं, अब तो नरेंद्र मोदी, तब तक नरेंद्र मोदी 10 साल हो गए, अब तो बीजेपी में चेहरा बदल दीजिए कम से कम। 15 साल तो करेगा भी बाद में, वो आज ही यूपी वालों के नामिंग हो, योगी आदित्यनाथ। राजस्थान से भी तो कोई लेकर आए, इतना बड़ा स्टेट है, बताओ राजस्थान में कोई नेता नहीं है बीजेपी का जो प्रधानमंत्री का दावेदार हो? नहीं हो सके हो, पर वो माल ठीक लगे जी, हाँ यूपी में बहुत गलत काम होता है, सारा वो सलाह करके गोली बना दे, पावर ही बहुत है के चक्कर है। वो तो कानून के दायरे में तो नहीं है ना, कि अगर कोई जुर्म करे उसको सजा ना मिले, गोली मार दे तो गोली तो फिर आपस में दो लोग लड़ते हुए भी मार ही देते हैं ना। दूसरे राज्यों में नहीं होता, वो करवा देता है, वहाँ शांत हो गया एरिया उत्तर प्रदेश में, पहले ऐसा नहीं था। क्या नाम है जी आपका? भूप सिंह नाई। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताइए कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन हो? मोदी जी। ऐसा क्यों? क्यों मोदी का वोट करने कोई है ही कौन? मोदी नहीं, ऐसा क्या काम कर दिया 10 सालों में जो आपको लग रहा है कि भाई प्रधानमंत्री एक बार फिर से बने नरेंद्र मोदी? मैं जी तो काम को नहीं, अभी तो मोदी करे है, कोई करे वो काम। ये स्कूल है, ट्रेन है, IIM IIT हो गया, ये तमाम जो चीज़ें बनाई है तो कांग्रेस ने बनाई? कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस ये कह रही है कि अब तो बेच रहा है बस। कांग्रेस तो क्यों कहेगी, कांग्रेस तो कहेगी बेच रहा है, कांग्रेस करे हो गया, मोदी बनाए हो सारों की। आप कौन से स्कूल में पढ़े? मैं तो ठीक पढ़े गाँव में। वो भी तो कांग्रेस ने बनवाया होगा? मारा तो अंग्रेजों के टाइम का स्कूल हो, पहले कांग्रेस में पहले उठे स्कूल हो, राजा महाराजा के टाइम का स्कूल हमारा इकट्ठे कांग्रेस को क्या बनाया? हमारा तो 150 साल पहले का स्कूल है थोड़ीपाड़ गाँव में। मोदी जी ने क्या क्या काम ऐसे किए हैं जो पसंद है आपको? 370 तोड़ दें, बहुत काम करे मोदी, काम करे। 370 टूटने के बाद आप गए कश्मीर कभी? जानते ही ना कश्मीर बहुत अच्छा। आप हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? संजय कुमार जाखड़। संजय, आप मुझे ये बताइए कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन हो? नरेंद्र भाई मोदी होगा। ऐसा क्यों? ऐसा तो आप देख लो पिछले 10 सालों में नक्शे में हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला गया, हर कंट्री में नाम हो रहा है, मान सम्मान कभी देखा है आपने? 370 हट गई, ये हिंदू अपने जन्म भूमि राम मंदिर बनाए, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया ना, कोर्ट बनाया तो कितने टाइम का सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त भी तो थी सुप्रीम कोर्ट। इसने राम मंदिर का राग छेड़ा उनको तो इन्होंने आगे ही नहीं करा, बताइए। नहीं करा, लेकिन इन्होंने बनाया तो है कांग्रेस ने। कृष्ण आडवाणी ने ही सबसे पहले जो है ये मुद्दा उठाया था, मुरली मनोहर जोशी ने, उनको कभी देखा आपने? देखा नहीं, देखे अब वो बूढ़े हो गए, टाइम था अब, लेकिन अब इन्होंने जो आया वो बनाया नरेंद्र भाई मोदी ने, और मोदी कहाँ से कहाँ ले गया कंट्री को, ये भी कहाँ ले गया यही तो पूछ रहा हूँ, यही तो बात बता रहा हूँ मैं। नक्शे में आप कह रहे हो कि नक्शे में तो पहले ही था,
ये बात सत्य है, नक्शे में तो था, लेकिन अब जो मान सम्मान ये है भाई नरेंद्र मोदी, किसी भी कंट्री में जाते हैं अपने देखा है, अब ये रूस तो अगर शाहरुख खान भी जाते हैं तब भी मिलता है उतना, बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो सिर्फ शाहरुख खान की वजह से भारत को, बहुत अलग है वो तो उनकी सोच है, वो तो जैसा देश वैसा वेत, हर बात के लोग होते हैं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी का मुकाबला नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, ये सब लोग तो इकट्ठे हो रहे हैं ना नरेंद्र भाई मोदी को डाले सब, लेकिन कुछ नहीं बनेगा किसी का भी, नरेंद्र भाई मोदी होगा 2024 का प्राइम मिनिस्टर, 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। मुझे एक बात बताइए कि चुनाव आ रहे हैं अब, तो क्या लग रहा है 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र जी मोदी। ऐसा क्यों? वही ठीक रहेगा, बाकी तो ये देख रखे हैं राजस्थान में जो हरियाणा कांग्रेस सरकार चल रही है उसके में क्या हाल कर रखा है, तो बीजेपी चाहते हैं जैसे राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार है, महागठबंधन उनका हो गया, इंडिया नाम दे दिया उन लोगों ने, नहीं इसका कोई चांस नहीं है जी, सिर्फ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ ऐसे काम किए हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? देश की उन्नति के साथ साथ देश का नाम भी किया है ना, विदेशों में भी पहचान हो गई, तो ये तो ज़रूरी है, बाकी तरक्कियाँ तो देखो लोग कर रहे हैं, वो कोई सरकार हो उसको मायने नहीं रखती, देश के हिंदुत्व जो जागा है वो नरेंद्र मोदी की वजह से ही है, नरेंद्र मोदी की वजह, हाँ इसलिए। मुझे ये बताइए कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? बढ़िया आदमी। बढ़िया तो मतलब बढ़िया तो मैं भी हूँ, आप भी हो बढ़िया, आप में क्या कमी है बताइए? नहीं वो बढ़िया है, पाकिस्तान खातर और चीन खातर बहुत बढ़िया है, इसे ही चाहिए अपन, राहुल गांधी जी से कौन चाहिए? पाकिस्तान के लिए कैसे बढ़िया हो गए बताइए? हाँ जी, पाकिस्तान के लिए कैसे बढ़िया हो गए? तो बढ़िया है, फैसला फूसला कड़क लिया है, आपको सेना साना सही सुरक्षित है, तो पसंद है अपन, पसंद है आप, ये बात अलग है पसंद वाली। तो बाकी जो ये इंडिया का जो गठबंधन हुआ है इसमें अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, शिवसेना जो पहले उद्धव ठाकरे वाली वो भी है, तमाम पार्टियां जो है उन्होंने एक इंडिया गठबंधन दिया, हालांकि जो नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी का गठबंधन है एनडीए का उसमें ज़्यादा पार्टियाँ हैं, तो इनमें कोई नहीं लगता आपको कि प्रधानमंत्री होना चाहिए? नहीं जी, हमको नहीं, कह रहे हैं कि 10 साल दे तो दिए कुछ बदल, 10 साल और दें, 20 साल दें, कामयाब है। मुझे ये बताइए कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन हो? नरेंद्र भाई मोदी। सारे कह रहे हैं मोदी, ये मतलब क्या जादू चल गया आप लोगों पे? जादू आप देख लो कितना काम हुआ है, कितना देश आगे जा रहा है अपने, मोदी काम हुआ है, मोदी के राज में 370 रूटी, राम मंदिर बना, और भी बहुत से काम हुए जो 370 से, 370 से धौलीपाल में क्या फ़ायदा हुआ? धौलीपाल में क्यों, अपने अब जाते हैं बाहर जाते हैं जब भी तो उसमें अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, पहले अपने को डर लगता था